नमस्कार, समाचार टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं अब तक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नकली पासपोर्ट बना करके भारत में बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों को लाया करते थे और साथ ही सऊदी अरब के लिए वीजा भी बनाया करते थे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 बांग्लादेशी हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की पुलिस ने म्यांमार की रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश के नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से भारतीय पासपोर्ट और पश्चिमी एशियाई देशों का फर्जी वीजा दिलाने का काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर का गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों का आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद उल इस्लामी से संबंध है। इनके पकड़े जाने से हवाला रैकेट का भी खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद बांग्लादेश के कुछ नागरिक दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत का पासपोर्ट और पश्चिमी एशियाई देशों का वीजा दिलाने का रैकेट चला रहे हैं। तहकीकात शुरू हुई तो बांग्लादेश के एक नागरिक शौकत अली का पता चला और यह जानकारी मिली कि शौकत पासपोर्ट और वीजा दिलाने के गैरकानूनी धंधा करने वाले गिरोह का सरगना भी है। अपने सेबों के लिए बहुत मशहूर जगह है हिमाचल प्रदेश, और आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से कि जमीन के नीचे भी अब सेब उगेंगे। जी हाँ, एक किन्नौर जगह है जहाँ पर एक बागवान ने अपने जमीन के नीचे भी सेब उगा कर दिखा दिया है। ये सेब इतने पौष्टिक हैं कि कई सारी बीमारियों में औषधि का काम भी करते हैं। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सेब राज हिमाचल में बागीचों के बाद अब सेब जमीन के नीचे भी पैदा होंगे, ये करिश्मा हिमाचल के किन्नौर में एक जागरूक बागवान ने कर दिखाया है। अपने फॉर्म में तैयार किया नायाब ग्राउंड एप्पल कई रोधक बीमारियों के लिए अचूक औषधि के साथ कई तरह की मिठाइयों का भी बेहतरीन विकल्प बन सकता है। खास बात यह है कि शुगर भी फ्री बताया जा रहा है। किन्नौर के दुर्गम में यह कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैयार ग्राउंड एप्पल मौसमी बदलाव में भी बागवानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। ये नायाब सेब की पहली फसल को लेकर बागवान सत्यजीत नेगी शिमला में राज्यपाल से मिले और उन्हें भेंट दी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसा कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है जिसे देखकर सभी हैरान हैं। बहुत दूर दूर से वहां पे लोग इसे देखने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हुआ ये है कि एक माँ ने एक जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। उसका शरीर तो एक ही है लेकिन सिर 2 है। इस करिश्मे को जो भी देख रहा है वो बस यही कहता है कि भगवान ये तूने क्या किया, और वहीं पर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है कि भगवान तूने बच्चा दिया ही तो ऐसा क्यों दिया जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं कुदरत जब अपना करिश्मा दिखाती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है औरैया जिले में, जहां एक महिला ने 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया तो इस कौतूहल को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, लेकिन कुदरत के इस करिश्मे ने बच्चे की माँ पर मानो एक पहाड़ सा गिरा दिया हो और वे अपने बच्चे के इस जन्म को बड़े दुख की बात बता रही है। बच्चे के परिजनों का कहना है कि ईश्वर को अगर झोली भरनी थी तो सही बच्चे का जन्म होता। इस 2 सिर वाले बच्चे का हम क्या करेंगे। शहर के सरोज हॉस्पिटल में जन्म देने वाली महिला कानपुर देहात के संदलपुर गांव की रहने वाली है। अनीता, जिसे इस अद्भुत बच्चे के जन्म ने मानो दुख का पहाड़ गिरा दिया हो, वही डॉक्टर भी इस तरह के बच्चों को बहुत कम जीवित रहने की संभावना जता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चे का सिर अलग किया गया बच्चे की मौत हो सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में मैनेजमेंट के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम GST का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार को अपने प्रावधानों को स्पष्ट करना होगा। इसके साथ साथ अधिकतम टैक्स सीमा को भी तय करना होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई दौरे के दूसरे दिन MMIMS कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने GST बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस GST का विरोध नहीं करती है, लेकिन सरकार को इसके प्रावधान स्पष्ट करने होंगे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस GST के विरोध में नहीं है, लेकिन इससे पहले सरकार टैक्स की अधिकतम सीमा तय करे। राहुल ने कहा कि अरुण जेटली ने कहा था कि GST अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा GST पर जेटली से कोई बात नहीं हुई है। राहुल ने आगे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही जेटली जी मुझसे मिले और खबर आई कि उन्होंने मुझसे GST बिल पर बात की है, पर सच ये है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए निमंत्रण दिया था। GST के विरोध में सदन नहीं चलने देने के आरोप पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी संसद में गतिरोध पैदा कर बिल के विरोध का रास्ता नहीं अपनाना चाहती और यह कोई रास्ता नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे
तब भारतीय अर्थव्यवस्था का उपहास करते थे। उन्होंने कहा कि 10 सालों तक भाजपा वालों ने कांग्रेस सरकार का विरोध किया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो GST लाया गया था, भाजपा ने उसका हर समय विरोध किया था। राहुल ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तब भाजपा ने 7 सालों तक GST को पास होने से रोका था। राहुल ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान अन्य चीजों पर है, किसान और कृषि की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राहुल ने कहा कि नेताओं को क्रिकेट आदि खेलों से दूर ही रहना चाहिए। राहुल ने मोदी के स्टार्टअप अभियान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि असहिष्णुता और स्टार्टअप इंडिया अति विरोध है, स्टार्टअप इंडिया बहुत जल्दी ही फेल हो जाएगा। भाजपा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए सब एक ही हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो हमें राम मंदिर बनाने के लिए किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली में भाई की सरकार है तो फिर आंदोलन कैसा, राम मंदिर बनकर रहेगा, लेकिन उसके लिए आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सरकार के खिलाफ कौन आंदोलन करता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने संसद में कानून बनाकर सोमनाथ मंदिर बनवाया था और अब PM मोदी को भी उसी राह पर चलना चाहिए। तोंगड़िया ने भरोसा जताया कि मोदी विचारों के पक्के हैं, उनमें श्रद्धा है और वे संसद में कानून बनवाकर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तोंगड़िया ने सभी राजनीतिक दलों से ऐसे कानून को पारित करने से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर श्रद्धा का विषय है, न कि चुनाव मुद्दा। कानून बनने का फायदा केवल एक दल को नहीं बल्कि BJP, कांग्रेस, सपा, बसपा सबको मिलेगा। अरुण जेटली ने स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप इंडिया सभी परंपराओं को तोड़ते हुए लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में ये आखिरी कदम साबित होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लॉन्चिंग इवेंट में पहले सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह परंपराओं को बदल देगा और सरकार की भूमिका केवल सुविधाएं उपलब्ध करवाने तक रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया का आज शाम को आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। हमने 1991 में लाइसेंस राज खत्म किया और यह आइडिया पेश किया कि सरकार यह तय करेगी कि कौन सा व्यवसाय चल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, अगर तब से मैं अब तक का सफर देखूं, तो नजर आता है कि उनमें से कुछ तो बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में हमारी कोशिश रही है कि पॉलिसी डोमेन में राज्यों के रोल को सीमित किया जाए। आर्थिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन हम यह देखकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जेटली ने कहा कि दुनिया हमें तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। हमने वर्तमान हालातों के बावजूद एक सम्मानित विकास दर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेटली आगे बोले कि यह PM का ही आइडिया है कि देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले। इस काम में बैंकिंग सिस्टम और सरकार दोनों ही इनको मदद करेंगे। नोएडा के सेक्टर 57 में शुक्रवार की रात ट्रक में भीषण आग लग गई। इस ट्रक में रद्दी का सामान लदा हुआ था। गनीमत यह है कि ट्रक ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 57 में शुक्रवार रात रद्दियों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरी गाड़ी आ गई। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक आगे बढ़ने से पहले ही ट्रक से कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर दमकल की सहायता से आग को बुझाया गया। आग के कारणों की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी कि ये आग क्यों और कैसे लगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जो नकली सोना बेचकर सबको चपत लगाया करती थी। आपको बता दें कि एक दुकान से उन्होंने 18,000 का चूना उन्होंने पहले लगा दिया था, फिर उसी दुकान में नकली आभूषण बेचने के लिए वो आई थी, तो इस बार दुकानदार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर के सबसे व्यस्त रेलवे रोड पर हीरा ज्वेलर्स के कर्मचारी व मालिक रोजाना की तरह शुक्रवार की रात को भी अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान दो महिलाएं वहां आईं और अपने पास मौजूद जेवर को सोने का बताकर उन्हें बेचने की बात कही। शक होने पर जब दुकानदार ने जेवर की जांच की तो वह नकली निकला। इसी दौरान महिला के साथ आई दूसरी महिला चुपचाप वहां से निकल गई। इसी दौरान जब उस महिला ने भी वहां से निकलने का प्रयास किया तो दुकानदार व उनके कर्मचारियों ने उसे रोक कर इस बारे में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठग महिला को हिरासत में ले लिया था। दुकानदार हीरालाल की माने तो 3-4 दिन पहले भी यह महिला उनकी दुकान में 18,000 रुपए का नकली सोना बेच गई थी। आज भी यह एक झुमकी वो अंगूठी बेचने आई थी, लेकिन शक होने पर उनकी पोल खुल गई। दुकानदार की माने तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आज उनके पास से UP से खरीदे गए नकली सोने के पर्चियां भी बरामद हो गई हैं।
यहाँ महिलाएं यूपी में 40% रेट के हिसाब से नकली सोना खरीद कर लाती थीं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची, उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। ये पहला मौका था जब लोकसभा चुनाव के बाद वो पहली बार रात्रि में वहां पर रुकी थी। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वहां पर कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगी और वहां का जायजा लेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं ने इंदौर चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्मृति से एक बीमार महिला ने मुलाकात की, जिस पर स्मृति उससे दिल्ली बुलाकर उसका इलाज कराने की बात कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला जैसे ही इन्होना कस्बे में पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद इन्होना की रहने वाली संगीता गुप्ता ने स्मृति से अपना इलाज कराने की बात कही, जिस पर स्मृति ने उसे आश्वस्त किया कि वह खुद उसे दिल्ली बुलवा कर उसका इलाज कराएंगी। बताते चले कि संगीता पिछले काफी दिनों से किडनी की बीमारी से जूझ रही थीं, लेकिन पैसों के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, लिहाजा थकहार पर उसने दौड़ पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इलाज की गुहार लगाई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला अब एक नए दौर में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत जहर की वजह से ही हुई थी, लेकिन किस जहर की वजह से हुई थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की सनसनीखेज मौत का मामला अब नए दौर में पहुंच गया है, जहां FBI की रिपोर्ट में भी जहर को मौत की वजह बताई गई है और कहा गया है कि उसके शरीर में खतरनाक रसायन मौजूद था, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी मौत हुई हो। इससे पहले एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में जहर को मौत का कारण बताया था। एम्स के फोरेंसिक विज्ञान विभाग की प्रमुख सुधीर गुप्ता ने कहा कि 2014 में सुधीर गुप्ता ने पोलोनियम 210 जैसा जहर होने की संभावना जताई थी, मगर जहर कौन सा था यह अभी तक साफ नहीं है। लंबे इंतजार के बाद एयर इंडिया ने गोरखपुर को वो तोहफा दे दिया है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, अब दिल्ली से लेकर के गोरखपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। एयर इंडिया ने देश के सुदूर और हवाई सेवा से वंचित हिस्सों को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की अपनी योजना के तहत दिल्ली से गोरखपुर के लिए उड़ान सेवा शुक्रवार से शुरू की। इस मार्ग पर एयर इंडिया का विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 42 यात्रियों को लेकर उड़ा। एयर इंडिया के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक अश्वनी लोहानी ने फीता काटकर इस नए मार्ग पर उड़ान का उद्घाटन किया। कंपनी ATR 62-600 विमान का उपयोग कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली गोरखपुर मार्ग पर सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। अब तक में बस इतना ही। समय के साथ चलने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम।